अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शाद और आबाद रखे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की यमी यमी ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद होती है। और आप मेरी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, और एंड तक लाजमी देखनी है। और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है, मैंने एक देचकी ली है और उसके अंदर जो है वो 2 कप मैंने दूध के ऐड किए हैं, और ये फ्रेश मिल्क है। और उसके साथ ही 1 प्याली चीनी की भी ऐड की है। और इसको जो है आपने चम्मच को जो है वो चलाते रहना है, अच्छी तरह से मिक्स मिक्स करते रहना है। और चम्मच जो है वो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना, वरना ये नीचे से लग जाएगा और वो सारा कुछ जो है वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसको आपने पकाना है अच्छी तरह से, जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। और चम्मच लाजमी चलाते रहें इसके अंदर। और ये देखें, ये थोड़ा सा अब आपको इसका रंग भी बदला हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये थिक की तरफ भी जो है वो जा रहा है। ये देख लें आप, कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके तो। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे बस। और ये रेडी हो गया था, और मैंने इसको लदा से बाउल में निकाल लिया है। ये देख लें, इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। और आपने इसको जो है बहुत ठंडा करना है, अब गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जब भी इस्तेमाल करना है आपने इसको, बिल्कुल ये ठंडा हो, ठीक है? और अब मैं इसको जो आपको चेक करवा दिया, अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी, ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। उस पर मैंने 300 ग्राम जो है वो स्ट्रॉबेरीज ली हैं, उनको अच्छी से तरह से धो लिया है और पत्तों को रिमूव कर दिया है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे चम्स बनाने हैं इसके, ठीक है? जितना भी आप छोटा छोटा कर सकें, क्योंकि ये चीज वाइट करनी है इसकी। अब इसी तरह ये सारी मैंने कटिंग कर ली, और इसको लैदा से एक बाउल में निकाल के रख देंगे साइड पे। और ये फ्रेश क्रीम है 400 ग्राम। और अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 400 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब उसको बीटर की मदद से, हल्के बीटर की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हाथ से बीट करेंगे। और अब इसके अंदर जो दूध ठंडा बिल्कुल जो है हो गया था, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। और अगर ये दूध थोड़ा सा आपको, मतलब बनाते हुए थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए आपसे, तो आप इसके अंदर और थोड़ा दूध ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। लेकिन बस इसी में आपने इतना ही थिक होना चाहिए इसको, जब ये ठंडा हो तो बस ये इतना ही थिक हो। अब इसके अंदर इसको अच्छा सा मिक्स मिक्स कर लेंगे। और ये आपने हाथ से ही करना है मिक्स, और इसको किसी मशीन से यानी बीटर वगैरह से नहीं करना, इसको हाथ से ही करना है। और अब जो स्ट्रॉबेरीज हमने कट करके साइड पे रखी हुई थी, उसको, सारी स्ट्रॉबेरीज को इसके अंदर ऐड करके हल्का हल्का इसको मिक्स मिक्स कर लेंगे।
और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे इसका अंदर बहुत अच्छा सा एक प्यारा पिंक पिंक सा शेड आना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स मिक्स करें। और अब मेरे पास ये कंटेनर था, इसके अंदर मैं ये सारा बैटर ऐड कर दूंगी। और इसको कवर करके मैं फुल नाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये मैंने फुल नाइट जो है वो फ्रीज़र में रखती थी, और अब ये देखें ये आइसक्रीम जो है ये बन चुकी है। अब मैं इसको सर्व करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने एक गिलास लिया है जिसको मैंने चॉकलेट सिरप के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से तो उसके खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और ये रेडी हो चुकी है, और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।